हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी कंपेनियन। आज का वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टोरेज टेम्परेचर इशूड बाय इंडियन फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। पहले समझते हैं स्टोरेज टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस क्या है। किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन डॉक्यूमेंटेड है उसी कंट्री का फार्माकोपिया में। अगर उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन प्रोवाइड नहीं किया गया तो उस प्रोडक्ट का फिजिकल चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकता है, माइक्रोबियल अटैक उसमें हो सकता है। चेंज में क्या हो सकता है? फिजिकल चेंज में उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का कलर का चेंज हो सकता है, उसका सॉलिबिलिटी का चेंज हो सकता है, उसका टेक्सचर का चेंज हो सकता है। केमिकल चेंजेस में क्या होता है? एक आइसोमेरिक फॉर्म से दूसरा आइसोमेरिक फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकता है, उसमें माइक्रोबियल अटैक भी हो सकता है। अगर किसी भी एक टाइप का चेंज हुआ तो नॉट गेटिंग डिजायर्ड बेनिफिट, जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ इफेक्ट हो चुका है। तो लेबल में जो क्लेम रहेगा उससे पहले ही ड्रग एक्सपायर हो चुका है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मुझे फीवर है, मैंने एक पैरासीटामोल लिया जो प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में स्टोर नहीं किया गया था, तो उसे लेने के बाद भी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हुआ क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस आ चुका है, इसलिए डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला मुझे। तो समझ में आया? अब आईपी एंड यूएसपी के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टोरेज कंडीशन के अनुसार टेम्परेचर कितना होगा देखते हैं। डीप फ्रीजिंग, अगर डीप फ्रीजिंग बोला है तो टेम्परेचर होगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बोला है कोल्ड तो टेम्परेचर होगा 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कूल टेम्परेचर होगा 8 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर 25। वार्म 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सेसिव हीट में ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इधर कोल्ड और कूल, इस दोनों में से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसको याद रखने से ज्यादातर क्वेश्चन तुम अटेंड करके आ पाओगे। इसको याद कैसे रखोगे? कोल्ड के साथ जुड़ा हुआ है ओल्ड, तो ओल्ड के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है इसलिए वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं होता है। तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? उसका टेम्परेचर कूल के मुकाबले कम होगा, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये याद रखने से तुम्हारा पूरा जो स्टोरेज टेम्परेचर का जो टॉपिक था वो पूरा होल टॉपिक कवर हो गया है, और इसके ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चन जीपैट और नाइपर में पूछा जाता है। ओके गाइज, all the best and thanks for watching.